साजी निवाजी हुई गुरु साध संगत जीओ सनेंबर फतेह प्रवान करना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी परम पवित्र गोद विच बैठ के महापुरखां दी पवित्र याद नूं ताजा कर रहे हो। संत बाबा सोहन सिंह जी महापुरशां दी याद विच आज पवित्र याद नूं ताजा कर रहे हो। सतगुर कहिंदे ने जिस वखर नूं लैण तूं आया वखर बीज नूं कहिंदे ने। जिस बीज नूं तूं लैण आया वो तैनूं संतां दे कोल मिलना, ये सतगुर कह रहे ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जिस वखर नूं लैण तूं आया राम नाम संतन घर पाया, पर मिलदा क्यों नहीं? पहला तो मंगिया ही नहीं असी। आखो सतनाम वाहिगुरू। सतगुर कहते बीमारी है, जमीन बंजर है, इस विच उगना नहीं है बीज। तज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हृदय मह तोल लाद खेप संतां संग चल। आज जिन्हें आप जी बैठे हो संत ही बैठे हो, कह दियो सतनाम वाहिगुरु। बेनती करां ज्यों ही आप जी इस गेट दे विच दी लंघे हो, बंदे दे कर्म किन्ने भी क्यों ना बुरे होण, भावें समैकिया होवे बलैकिया होवे कुछ भी होवे, ज्यों ही आप जी अंदर आए हो संगत हाथ जोड़ के खड़ी है। साध संगत जी जल छकोगे, साध संगत जी प्रशादा छकोगे। एहो जिहा सतगुरु कदे संसार ते नहीं मिलेगा जिहड़े जिस दे द्वार ते आउंदे ही तुसी साध बन गए। आखो सतनाम वाहिगुरु। पर इस नूं ही भरोसा नहीं पी ये साध आ गल तां कुछ वड्डी गल नहीं। साधना विच बैठन वाले सज्जन नूं बाणी ने साध कहा, उसनू ताड़ना भी कीती, मन का माण त्यागो साधो छड़दा नहीं, छड़दा नहीं, मन माण नू छड़दा नहीं। ख्याल रखना जरा, गा के ही ना चले जाइए, गल समझ नहीं पेगी, गल कित्थों चलनी है, गल कित्थे ठहरेगी जाके। मेरे मालक कहिंदे ने देख गुरमुखां प्यारियां तो तू संत कह ला, गुरमुख कह ला, जो कह ला, तेरी इच्छा कह ला। तेनू एलर्जी नहीं होनी चाहिए भी संत नहीं कोई हुंदा, साध नहीं कोई हुंदा, गुरमुख कोई नहीं हुंदा। एक छोटी जी बच्ची गुरमुखों खेलती है, शायद गल समझ आ जाए, थोड़ी वड्डी हो जाती है पढ़ने पा देती है, नौजवान हो जाती है पढ़ती है, जदों नौजवान हो जाए फिर फिक्र हो जाता फिर इसका विआह करना, कोई वर लभ लईदा, सहुरे घर चले जाती है। थोड़े समय बाद एक सुनेहा आता कि बच्ची की कुख नूं भाग लग गए, वो मां बन जाती है। कृपा करो जरा, वो मां बन जाती है, उसके अगे बच्चे हो जाते हैं, दादी पड़दादी बन जाती है। इवें पहला मेरे वर्गा चोर ही हुंदा बंदा, फिर सिख बनता, फिर गुरसिख बनता, फिर गुरमुख बनता, ब्रह्म ज्ञानी बनता, फिर रब बन जाता। आखो सतनाम वाहिगुरु। ध्यान देना जरा, अदेख कुदरत दा खेड। पहला तो ये कर्म तो बुरे ही होंगे ने, जब सतगुर की दृष्टि पै जाती। मेरे पातशाह कहते जिस ते सतगुर की दिव दृष्टि हो जाती वह वस्तु प्रसाद बन जाती। एक बार कह दौ सतनाम वाहिगुरु। फिर बेनती सुननी,
जिस ते सतगुर की दिव दृष्टि पै जाती है वह वस्तु प्रसाद बन जाती है। ख्याल रखना जिड्डा कोई उच्चा हुंदा ओडा ही हंकारिया हुंदा। बड़े गुरमुख सज्जन बैठे हो आप जी, जितना उच्चा रुख हुंदा, जिन्ना रुखा वड्डा हुंदा उन्ना ही छोटा फल लगदा। सब तो उच्ची फलदार रुखां विच्चों जामण हुंदी है, छोटा जिहा फल लगदा। उस तो नीवा अंब हुंदा, उस तो मोटा फल लगदा। उस तो छोटे जड़े हुंदे ने संतरे माल्टे, उस तो वड्डा फल लगदा। कदे आप जी रोज़ खरबूजे खांदे हो, तरबूज खांदे हो, जिन्नू वाटरमेलन तुसी कहंदे हो, वह वेलां धरती नाल छौंदियां ने ते एड़ा मोटा उन्हां नू फल लगदा। आखो सतनाम वाहिगुरू। जितना कोई नीमा हुंदा चले जांदा, जिन्ना जिस दे अंदर निम्रता आउंदी जांदी है उन्ना ही वड्डा फल लगदा जांदा। आखो सतनाम वाहिगुरू। महापुरशां दी याद च बैठे हो, पातशाह कहिंदे पवन है मैं पवन समाया। इत्थे नहीं कोई आउंदा जांदा, ख्याल रखना। गलत बाणी की करनी पैगी है, गोहर गोज की मालिक ने सब कुछ लिखिया होया, इहदी सुरत च किते आ जाए। पवन है मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। तो पातशाह कहिंदे नह को जन्म है नह को मरे। कृपा करियो, नह को जन्म है नह को मरे, आपन चलत आप ही करे। धन गुरु नानक साहब जी ने बड़े सुंदर प्रवचन मालिक जी ने बाणी विच लिखे ने। सतगुर कहिंदे देख खेड, साडे नाल पढ़ना जरूर है। देही माटी बोले पौन, देही माटी बोले पौन, देही माटी बोले पौन, देही माटी जी महाराज कहंदे ने माटी को पुत्र कैसे नचत है। आ मिट्टी दा पुतला किवें नचदा फिरदा। मैं फिर अज बेनती करा, कल भी कीती सी, साडी गल ना मन्नियो, ना किसे दुनियादार दी मननी। जो सतगुर कहंदे ने जे ते तुसीं मन लिया तुहाडे बेड़े पार हो जाणगे, जे साडे तो मन्ने गए बचन साडे बेड़े पार हो जाणे। मनना इनू पुछना पैना, मनन भी दस मनिया की अज तक, कोई दस तो सही, जो मनिया वो तो दस। इनू बिठा के इकले नू पुछना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सामने, दस मनिया की आ। रोज पातशाह कहिंदे झूठ बोलना छड़ दे, रोज ओह ही कम करदा। रोज मालिक कहिंदे ने हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, पराया हक ते अख छड़ दे, रोज ओह ही करदा।
रोज मालिक कहिंदे ने झूठ झूठ छड़ दे, रोज ओहो ही करदा जिस तो सतगुर रोज रोकदे ने, ये डट के रोज ओहो ही करदा ते मत्थे भी टेकी जांदा, मत्थे भी टेकी जांदा, मत्थे टेकण च कोई तकलीफ नहीं इस नूं। अंदर माल कहंदे ने देही माटी बोले पौन, बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन। तू कहना मर गया चले चले गए, कौन चला गया? तन गुरु नानक साहब जी कह रहे ने तत् का बनया हो। कद कद बंदे कहते बंदे ने मर जाना, पानी घट गया शरीर चो, ग्लूकोश लगा देंगे ने। पौन है, पानी है, मिट्टी है, अग्नि है, आकाश है, चंचल चप्पल बुद्ध का खेल। कहिंदे हैरानी है इस मिट्टी दे पुतले च कीता की अकाल पुरख ने। फिर ये बना के किला बना के पातशाह कहिंदे अगे की कीता अकाल पुरख ने। नौ दरवाजे दसवां द्वार, अगे मालिक ज्ञानी शब्द लाते ने। ज्ञानी ओ मतलब जेदा दाड़ा लंबा हो, जिन्हें कृपान पाई हो, ज्ञानी नहीं कहती इत्थे बाणी। ओ ज्ञानवान मनुख, यू आर द क्लेमेंट ऑफ एवरीथिंग, यू कंसिडर यूर सैल्फ द मोस्ट इंटेलीजेंट। तू अपने आप नूं जिहड़ा पंजाबी च कहिंदे फन्ने खां समझदा, उस नूं कहिंदे ने ओह ज्ञानी। कि मैं कर देना तुहाडा बच्चा हाँ, ज्ञान तां गल्लां हुंदियां ने, कोई दस वध कर लैंदा, कोई दस घट कर लैंदा। ते मालक कहिंदे गल्ला गली किहने ना पाया, जे गल्लां दा बनाया होया कड़ाह ही खाणा सी तां फिर क्यों घट कानू पाउणा। जे असली बनाना होवे ते सही मटीरियल चाहिदा उहदे विच। कुदरती सिंह साहब कीर्तन करके गए ने, विचार कर रहे सी चरण चलो मार्ग गोबिंद, ते बैठे बैठे एकदम ख्याल आ गया, वह मना ये चरणा नूं क्यों किया, क्योंकि यही चरण सवेरे गुरद्वारा साहब मत्था टेकन आउंदे ने, यही चरण शराब खाने नू चले जाते हैं। चरण यही ने, कन यही ने जिहड़े निंदिया सुनते हैं, कन यही ने जिहड़े गुरमत दे वचन सुनते हैं, गुरबाणी सुनते हैं। रसना यही आ जिहड़ी गुरबाणी गाँवी है, रसना यही है दूजे की निंदिया करती है। मालक कहिंदे
नौ दरवाजे दसवां द्वार दो अखां दो कान चार नासका दे दो छे सतवां तुहाडा मुखारबिंद मूंह जिसनू कहिंदे ने सत थले दे दो मल द्वार सतगुर कहिंदे नौ द्वारे ने नाइन डोर्स आर देयर इन योर बॉडी कृपा करो जरा नाइन डोर्स आर देयर वेयर यू रन योर माइंड इज रनिंग अप एंड डाउन डे एंड नाइट बड़े गुरमुख पढ़े लिखे हुए बंदे ने मैं दो मिनट इतने विचार कर जा क्योंकि समा नहीं आगे दे रहा दिस नाइन डिजिट इज सच वैन यू मल्टीप्लाई विद एनी डिजिट द टोटल कम्स नाइन जदों तुसी नौ नाल किसे नू भी गुणा करोगे वह नौ तो वद्दा नहीं किवें जिवें नौ दुनी अठारह अठ ते एक नौ नौ तीए सताई सत ते दो नौ नौ चौका छत्ती तीन ते छे नौ नौ पंजा पंताली पंज ते चार नौ नौ छीक चुरंजा पंज ते चार नौ नौ सता त्रेट सिक्स छे ते तीन नौ ते आखिर कहिंदे नौ नाया कासी अठ ते एक नौ कारण पता की है मेरे मालिक कहिंदे ने नौवां विच दौड़दे दौड़दे उत्थे ही खप गया नौवां विच दसवें का ख्याल ही नहीं आया नौ दरवाजे दसवां द्वार बुझ रे ज्ञानी एहो विचार ते मालिक कहिंदे दसम द्वार कुंजी जब दीजे मैं बाणी पढ़ रहा आप जी दे सामने दसम द्वार कुंजी जब दीजे तो दयाल का दर्शन कीजे आखो सतनाम वाहिगुरु बच्चा हाँ एक गल कहन जा रहा हाँ खिमा कर देना थले काम दे द्वार ने उपर नाम दा द्वार सी बदकिस्मती असी थले दे द्वार दे विच ही खप के मर गए कदे उपर दे द्वारयां दी गल ही नहीं आउंदी कदे उस पासे नू चलदा ही नहीं नौ दरवाजे दसवां द्वार नौ दरवाजे दसवां द्वार बुझ दे ज्ञानी एहो विचार बुझ दे ज्ञानी एहो विचार आप जी हैरान हो गए मैं बेनती कर रहे सी व्हेन यू मल्टीप्लाई सी द राइट साइड अजे दो दा इस्तेमाल कीता ते एक घट गया जिथे नौ एकम नौ सी उथे अठ रह गया अठारह आ गया जदों तिना ते मल्टीप्लाई कीता दूजे पासे सत रह गया छे रह गया पंज रह गया चार रह गया जदों दस नाया नब्बे कीता सज्जे पासे जीरो रह गया आखो सतनाम वाहिगुरु जिन्ने द्वारियां विच दौड़ोगे खप के मर जाओगे यू विल बी नो मोर ओनली ए बिग जीरो गली असी चंगियां आचारी बुरियां मनो कुसुद्धा कालियां बाहर चिटवी आहा मेरे मालिक एक बचन कर दे कहंदे ने संतन स्यो मेरी लेवा देवी एक बचन लईए तुसी दसोगे संतां नाल की लैण देण कर दे हो अज तक किन्ना क लैण देण संतां दे नाल कीता रिश्तेदारां नाल कीता होएगा धियां पुत्रां नाल कीता होएगा दुश्मनां नूं कचहरियां दा लैण देण तुसीं कीता होएगा दसो तुसीं संतां नाल लैण देण की कीता अज तक दसो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सामने बैठे हो
दसो तुसी लैण देण की हुंदा संतां दे नाल। आ सुनना जरा पातशाह की कहिंदे ने, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन से मोहे लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। कदे मंगे आ सच दस्यो, गुरु की हजूरी च बैठे हो, पुछते सही। मन तो कहीं और, तन साधन के संग, बैठा गुरुद्वारे मन कित होर तुरिया फिरदा। कहे कबीरा कोरी गाजी, कैसे चढ़ सी रंग, हैरानी है। रंग किते होर पिया होवे, कपड़ा किते होर पिया होवे, वर्तन किते होर पिया होवे, रंगन वाला किते होर पिया होवे, ये कवे मेरे कपड़े नू रंग नहीं चढ़दा, चढ़े किवें? रंगन वाले दा पता नहीं, रंग दा पता नहीं, जिसने रंगना ओदा पता नहीं। असल च ये साडा सौदा ही है नहीं, ये साडा अंदरों कोई सौदा नहीं। सारी जिंदगी इसनों सुनदे नूं हो गए, गुरु नानक ने सच्चा सौदा कीता सी, इनू सारी जिंदगी हो गई झूठे सौदे करदियां नूं। कदे मकान खरीद लिया, कदे कार खरीद ली, कदे प्लाट खरीद लिया, इन्हें पूछ कदे गुरु नाल सच्चा सौदा भी कीता, कदे समा मिलिया, कदे इच्छा भी होई सच्चा सौदा करन दी। इनू पुछना तुहानू हक आ अपने आप नू पुछण लई, ये दूजियां नू पुछदा वी ये बंदा किदां दा। ये मन दा एक सुभाअ आ गुरमुखो, मन हर चीज नू जानना चाहुंदा। माइंड वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जदों नहीं पता लगता फिर बहुत इसनों मुश्किल हुंदी, ते कदे कदे घर विच भी लड़ाई हुंदी आ, ते मैनू क्यों नहीं सब कुछ दसदे, ये मेरे तो छुपा के रखदे ने, क्योंकि मन दा सुभा है जानन दा। ते मल कहिंदे मन भी कुछ जानना चाहुंदा वी रब किथे आखो सतनाम। वाहिगुरू मेरे बादशाह कहिंदे ने, सुन मन मित्र प्यारिया, समा थोड़ा ते तुहाडा विचार ज्यादा करना। मैं गा भी सकदे, गा के चले जांदे तां वी की सी, आ सवेर ते सुनी जांदे हो गाउण वालिआं नूं, आप सिर मारी जाईदा, बहुत वड्डा भगत आ। देख पातशाह की कहिंदे, सुन मन मित्र प्यारिआ, मिल वेला है ए, दिस इज द टाइम टू मीट गॉड, दिस इज द टाइम टू मीट सतगुरु। सुन मन मित्र प्यारिआ, मिल वेला है ए, जब लग जोवन सास है, तब लग ए तन दे, बिन गुण काम न आवी, तै ढेरी तन खे, मेरे मन ले लाहा कर जाए, आखो सतनाम। वाहिगुरु की कहंदे पातशाह, मेरे मन ले लाहा कर जाए। आ जिहड़ा घर तू लई फिरदा, वह तो तेरा घर ही नहीं। आ जिन्ने असी बैठे हैं गुरमुखो यात्री हाँ, खिमा कर देना, जिन्ने असी बैठे हैं सब यात्री हाँ, वी आर द ट्रैवलर्स। कदे तुसी देखिया किसे यात्री नू किसे सरां दे विच, किसे होटल दे विच सारी जिंदगी कढ़दे हो खुश हो जाए? ही इज ईगर टू गो टू हिज होम। ओह तां इह हुंदा वी जल्दी नाल अपने घर चलीए, ते मालिक कहिंदे जो घर छड गुआवना तिस लगा मन माहे, जिस घर नू छड के चले जाना सी ओनू रोज पोचदा फिरदा। आप सवारे मैं मिले, रोज कमरा साफ करीदा, मकान साफ करीदा, जोड़े साफ करीदे, कार साफ करी दिया, बाकी सब नू चमका के रखदा,
सवार के रखदा मालक इको बचन फरीद साहब पुछदे ने कदे अपने आप नूं भी सवारिया आखो सतनाम वाहिगुरु मैं मिलिया सुख होए जे किते तैनूं मैं मिल जांदा ना सारे ही सुख मिल जाने सी पातशाह कहिंदे जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए एडी वड्डी शर्त इन्नी सौखी तू मेरा हो जा एक दा हो जा तू सारी दुनिया नू अपना बनाउंदा फिरदा तेरा कोई भी नहीं बनिया सारी उम्र तेनू इको गल दा ही गिला रहा वे पुत्र पाले वह भी अपने ना होए रिश्तेदारां दी मदद कीती वह भी अपने ना होए रोज मालक इसनू बाणी समझाउंदे ने निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे ये गल सुनना नहीं चाहता इन चंगी नहीं लगती भी ये ना कहो इकल्ले ही आया सी इकल्ले नहीं जाना संत यही दसदे ने महापुरश यही कहते ने गुरमुख प्यारे यही दसदे ने दोवां द्वारियां तो उपर आके जरा देखते सही चाबी के कोल देखिए तो सही तो पातशाह कहते ने अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं गलत हो सकते मैं नहीं कहता तुसी किसे वर्दी वाले नु संत कह दियो पर संत कोई ना कोई तो होना हम संतन की रेण प्यारे बहु वचन क्या गुरमुखां नू क्या गुरमुखां दी संगत कर कबीर साहब सुचेत करके कहिंदे कबीर ए मन चोर है देख संत की कहिंदे ने कबीर ए मन चोर है भली बस्त ले जाए इस मन ने की कीता तेरा अमृत वेला ही गवा दिता तेरा नित नेम गवा दिता इस मन ने तेरा की ने तेरे तो लुटिया हैरानी तो इस गल दी है कबीर ए मन चोर है भली बस्त ले जाए सूते को जे लूट ले जड़ा सुता है उन्हें लुट लेंदा जागत से डर जाए आखो सतनाम वाहिगुरु जेड़ा जागदा ना इस ग्रह में कोई जागत रहे पातशाह कहिंदे बाणी च इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस्त ओ अपनी लह जेड़ा इस दे विच जागदा रहिंदा ओ मूलक वस्त नूं प्राप्त हो जांदा एक होर बचन बड़ा सुंदर कबीर साहब ने कीता कहिंदे ने सुखिया ए संसार है सतगुर तो कहिंदे ना नानक दुखिया सब संसार कबीर साहब कहिंदे ने सुखिया ए संसार है अद्धा गिलास पानी का भरिया होवे ना जे तुसी कह दे हो अद्धा खाली वह भी ठीक आ जे तुसी कह दे हो अद्धा भरिया होया दोनों ही ठीक ने पर अखर बदल गए आखो सतनाम वाहिगुरु कंडीशन ऑफ ग्लास इज सेम इट इज हाफ एम्प्टी यही कबीर साहब कहते ने सुखिया ए संसार है खावे और सोवे दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे आखो सतनाम वाहिगुरु गुरमुख समा हो गया बेबसिया तीन दस तक क्या सी उन्होंने आप जी के दर्शन करन दी खेवा चाहता हाँ शब्द नहीं पूरा हो सकया नहीं तो विचार नहीं सी हो सकने धनवादी हैं सतगुरु जी दे जिन्होंने महान बख्शा कीतिया ने धनवादी हैं महापुरखा दे संत बाबा सोहन सिंह जी जीवद ही दिसदे ने महापुरश जिन्होंने नाम जपया ना वो जीवद ही लगते ने सदा
क्योंकि जिहड़ी चीज याद विच रहिंदी उह कदे मरदी नहीं। आखो सतना वाहिगुरू। मरदे तां उह ने जिन्हां नूं फूक के आ जाइए, उहनां दा नाम ही नहीं लैंदा कोई, उह जीवदा ही मर गया। आखो सतनाम वाहिगुरू। सो सतगुर कृपा पर करन। एक पंक्ति कहिंदे ने गुरमुख प्यारे पढ़न लई, मेरे नाल बोलनी सीधी जी पंक्ति आ। ये है द्वारा मेरे सतगुर दा, इत्थे भाग जगाए जांदे ने। ये है द्वारा मेरे सतगुर दा, इत्थे भाग जगाए जांदे ने। दुनिया दे सताए लोग इत्थे गले नाल लगाए जाने ने। यह द्वारा मेरे सतगुर दा, इत्थे भाग जगाए जाने ने। यह द्वारा मेरे सतगुर दा, इत्थे भाग जगाए जाने। इस द्वार ते भाग जागदे ने, कोई आए तो सही। सो धनवादी हाँ तनवंदकां सज्जणा दे, धनवादी हाँ समूह साध संगत जी दे। बड़े प्यार नाल आप जी ने सरवण किया, बड़ी वड्डी गिणती च आप जी बैठे हो। सो वचन करते हुए विचार करते हुए एक नहीं अनेक गलतियां हो जांदियां ने, अखर दा वादा काटा खिमा करना। आओ फतेह सांझी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।